गाइस कैसे आप सब लोग अच्छे और अच्छे बने रहना। तो हमारा टॉपिक आज का ये है कि रिवर्स स्वीप शॉट कैसे खेलना है। तो मैंने अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि वीडियो में मैंने जैसे खेला है, यहाँ पिच गीली है तो बाउंस पे नहीं हो रहा है। बट वही मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास कंडीशन खराब है, ठीक है, बहुत बार होता है कि बहुत सारी कंडीशन मिल जाती खराब, तो उसमें आप लोग कैसे खेल सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ कि रिवर्स स्वीप क्यों खेलते हैं, वैसे बता देता हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी कभार जो फील्डर्स कैप्टन सेट करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जाना पड़ता है, उसके अपोजिट जाके हम लोग को शॉट खेलना पड़ता है। बाई चांस अगर ऑफ साइड में प्लेयर नहीं आप राइट ही हैं, ठीक है, और वो कट के लिए बॉल नहीं दे रहा है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, रिवर्स स्वीप खेलना पड़ेगा ताकि आप लोग वहाँ पे मार पाओ। ये बहुत ज़्यादा जो स्कोर है आपके जनरेट कर सकता है ज़्यादा रन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें हर एक शॉट आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें और ज़्यादा स्कोर करना है, तो हमें हर एक शॉट आना चाहिए। तो उन्हीं में से एक शॉट ये है रिवर्स स्वीप का। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे ध्यान रखना है और कैसे आप आउट ना हो। वैसे आउट तो हर बॉल पे हो सकते हैं, बट ज़्यादा हम क्या तरीका करेंगे कि आउट ना हो और स्कोर ज़्यादा रन करें। तो आओ बिना कोई टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, स्टांस हमारा नॉर्मल रहेगा जैसे कि हमेशा रहता है। उसके बाद हमें अपना फ्रंट फुट निकालना है, हमें वो इसलिए निकालना है क्योंकि हम लोग बॉल के पास आ पाए और बॉल की लाइन में आ पाए, ठीक है। तो बॉल की लाइन में आने के बाद अपना जो आपका हाथ का फ्लो है ये लाइक इस पोजिशन में जाएगा, ठीक है, और इस पोजिशन में आएगा। लाइक हमेशा खेल रहे हो आप, फ्रंट फुट बाहर निकालो, फ्लो अपना बैट का ऐसे लेके आओ हाथ का इस पोजिशन में। और अगर गाइस आपको ग्राउंडेड शॉट खेलना है तो हमेशा ध्यान रखें जब आप रिवर्स स्वीप खेल रहे हो, ठीक है, तो हमेशा बॉल के ऊपर आना है। बॉल के ऊपर आओगे तो ग्राउंडेड शॉट जाएगा। अगर आपको हवा में खेलना है, लाइक अगर कोई फील्डर पास में खड़ा 30 यार्ड उसके ऊपर से निकालना है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बॉल के नीचे जाना पड़ेगा। आप जितना नीचे जाओगे उतना बॉल ज़्यादा हवा में जाएगी, ठीक है, तो उससे वो जो 30 यार्ड का प्लेयर है उससे क्रॉस कर सकते हो। और गाइस हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप लोग रिवर्स स्वीप शॉट खेल रहे हो तो हमेशा जो आपका बैक लेग है ना वो पूरा एकदम ग्राउंडेड रहना चाहिए। और उसके बाद जब शॉट खेलोगे ना तो ये ऐसा इसमें और इसमें ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, वरना बॉल नीचे से निकल जाएगी। तो हमेशा जब भी खेलो आप, पाँव पूरा नीचे आएगा, फ्लो ऐसे जाएगा आपका और फिर ऐसे आएगा। और जो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपको बताता हूँ। बहुत लोगों के पैड्स बड़े होते हैं और जो थाई पैड होता है वो भी बड़े होते हैं, तो जब आप लोग शॉट खेलने जाओगे ना तो ये दोनों बीच में आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। इससे ध्यान रखो जब भी चूज़ करो, और जब भी आप लोग थाई पैड या पैड्स चूज़ करो, ठीक है, तो ज़्यादा बड़े ना हो और ज़्यादा भारी ना हो। जब आप लोग खेलोगे ना और जब नीचे बैठोगे तो ये दोनों चीज़ें बीच में आती हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा। तब अगर ये दोनों चीज़ें बीच में आएंगी तो आप नीचे नहीं बैठ पाओगे, तो आप आउट हो जाओगे। तो इसे ध्यान रखना इन चीज़ों का भी, और हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे, क्योंकि सारा खेल इसी का ही है, हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी का ही है। अगर आपका हाथ सही टाइम पे नहीं जाएगा और सही टाइम पे नहीं आएगा तो आप लोग आउट हो जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी वो बनी रहे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। हम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में मैंने हेलमेट पहन के ही खेला है। जब अभी मैं जब बता रहा हूँ आप लोगों को, जब टिप शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने हेलमेट नहीं पहना क्योंकि उसमें बॉल नहीं डल रही है। बट इससे पहले मैंने हेलमेट वेयर करके ही खेला था, क्योंकि यार इसमें आपको कभी नहीं पता होता कि बॉल कब आएगी, कहाँ लग जाएगी। माना स्पिनर है, बट अब अगर आप लोग रिवर्स स्वीप खेल रहे हो तो अगर इसका टो लगता है, ठीक, एज लगता है, तो सीधा मुंह पे लगेगा आपके और बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपके फेस को। तो इसीलिए हमेशा हेलमेट पहन के खेलो, विजन अच्छा बना रहता है, वरना आदत अड़ गई तो नहीं खेल पाओगे आगे। तो बस ये सारे टॉपिक शेयर करने थे मुझे आपसे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, किसी ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है। वहाँ की फैमिली भी धीरे धीरे बढ़ रही है हमारी, यहाँ की तो 7.5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, आई थिंक हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भी करो, जल्दी जल्दी हमारे इंस्टाग्राम पे पढ़ें और कमेंट कर देना कि आपको आगे आने वाली में कौन सी वीडियोस चाहिए। और वैसे मैं शायद बता देता हूँ कि टेनिस बॉल के लिए मैं कुछ बनाऊँगा, कि बहुत लोग के कमेंट्स आते थे कि टेनिस बॉल को लेकर कुछ बनाओ। तो मेनली कि शायद मेरा फोकस टेनिस बॉल को लेकर रहे नेक्स्ट वीडियो में, बट डिपेंड करता है कि आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि आपको ये चाहिए या ये टॉपिक चाहिए, तो मैं उसको चूज़ कर लूँगा। तो अब वीडियो एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो चलाओ, लाइक शेयर करता अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी को मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो हैप्पी दिवाली, आपको विश नहीं कर पाया होगा, तो इसीलिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।